हेलो एवरीवन, वी हैव बीन गिवन अ लैंग्वेज और वो लैंग्वेज हमें कहा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एम, वेयर एन एंड एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो इसका सिंपल सा मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन ये कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात अभी छोड़ दें और इसकी बात करें, तो ये पार्ट हमें ये बता रहा है कि कम से कम 4 A's होने चाहिए और उसके बाद कम से कम 4 B's होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो पहली स्ट्रिंग या जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। इस लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। इसके बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि एज की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो सकती है, इसी तरह से बीस की संख्या भी 4 से बढ़कर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। सो मिनिमम 4 A's होने चाहिए हमारे स्ट्रिंग में, उसके बाद मिनिमम 4 B's होने चाहिए। सो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, मिनिमम 4 A's फॉलोड बाई मिनिमम 5 B's। अगर मान लीजिए कि हम इसका एक DFA बना लेते हैं इस पार्ट के लिए और उस DFA का हम रिवर्सल कर देते हैं, तो जैसे हम इसका रिवर्सल करेंगे, रिवर्सल का ये मीनिंग है कि जो भी हमारा नॉन फाइनल स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल स्टेट में और जो फाइनल स्टेट है वो नॉन फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिवर्सल होगा इस DFA का, लेट्स से दैट इज आर DFA, दैट विल बी द ऑटोमेटा फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज ए रेस्ट टू द पावर एन एंड बी रेस्ट टू द पावर एन। तो ये हम लोग पहले भी इस प्रोसेस को कर चुके हैं, तो आइए हम इसको एक इसके लिए एक DFA बनाते हैं जिसमें मिनिमम 4 A's और मिनिमम 4 B's होने चाहिए। A's 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं और B's 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फाइन, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द DFA। बहुत ही सिंपल साइज का DFA, लेट्स स्टार्ट अवर प्रोसेस फ्रॉम हियर। सो हमें 4 A एक्सेप्ट कराने हैं, तो 4 A से हम ऐसे इस स्टेट में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि इसमें और भी A's आए तो भी हम स्ट्रिंग को आगे बढ़ाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद B's आने चाहिए, तो मिनिमम हमारे पास जो B's आने चाहिए उनकी संख्या भी 4 है। सो अभी 3 B's हुए और ये मेरा चौथा B है, ये मेरा फाइनल स्टेट होना चाहिए। हो सकता है कि इसके पास और भी B's आ जाए। सो दिस इज क्वाइट सिंपल टू डिजाइन। लेकिन अगर हमने एक ए एक्सेप्ट किया और उसके बाद बी आ गया, या हम ऐसा मान लें कि मेरे पास ऐसा केस आया कि स्टार्टिंग ही स्ट्रिंग की बी से हुई, तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग है कि हम एक डेड स्टेट में आएंगे। सिमिलरली एक ए के बाद मुझे बी मिला तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी और मुझे डेड स्टेट में आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 2 A लेने के बाद बी मिला तो हम डेड स्टेट में आएंगे, 3 A लेने के बाद B मिला तो भी हम डेड स्टेट में आएंगे, लेकिन 4 A मिलने के बाद अगर B मिला तो हम आगे स्टेट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। हो सकता है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। मान लीजिए कि 4 A और 1 B मिलने के बाद मुझे एक A मिल गया तो भी हम डेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा कहा गया है कि सारे A's जब हो जाएंगे देन उसके बाद B's ही होने चाहिए। तो यहां हम ऐसा कह रहे हैं कि 4 A's मेरे पास आ गए, मतलब कि ए ए ए ए, उसके बाद एक बी आ गया और उसके बाद अगेन एक ए आ गया, तो ये तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हमें इसको डेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। सिमिलरली 2 B's आ गए और उसके बाद ए आ गया, ये भी स्ट्रिंग मुझे रिजेक्ट करनी होगी। 3 B आए और उसके बाद ए आ गया, इसको भी मुझे रिजेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि मेरे पास 4 A और 4 B आए और इसके बाद अगेन एक ए आ गया तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें 20 पे समाप्त कर देना है या 20 पे हमें इस स्ट्रिंग को एंड कर देना है, तो मुझे इसको भी डेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रांजिशन दिखाया जो कि 20 से अगर ए आ गया, मैंने लास्ट 20 के बाद ए आ गया तो भी हम इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो लैंग्वेज, अगर मेरी मान लेते हैं कि एल डैश मेरे पास एक लैंग्वेज है, एल डैश लैंग्वेज ए रेस्ट टू द पावर बी रेस्ट टू द पावर एम का एक DFA है जिसमें कि n और m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट का DFA बनाते हैं। सो इसके कॉम्प्लीमेंट का DFA क्या होगा कि जो इनिशियल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट बना दीजिए और जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको इनिशियल स्टेट बना दीजिए। एक बार अगर हम ध्यान से फिर से समझें कि ये लैंग्वेज l क्या है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ l डैश है। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ l डैश लैंग्वेज। सो एल डैश लैंग्वेज क्या है?
ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एन, जहां पे एन और एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास एक ए आया और चार बीज आए तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए, अगर मेरे पास दो एज आए और तीन बी आए तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए, अगर मेरे पास दो दो तीन ए आ गए और तीन बी आ गए तो भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। तो ऐसा तो हो ही रहा है क्योंकि हम इसको डेड स्टेट में भेज रहे हैं, लेकिन यही सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, यही सारी जो स्ट्रिंग्स वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज में। तो हमें सिंपली क्या करना है, रिवर्सल करना है। रिवर्सल हम कैसे करेंगे कि जितने भी इनिशियल स्टेट्स हैं उन सभी को आप फाइनल, सॉरी जितने भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको आप फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो आपके पास फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल स्टेट बना दीजिए। ये जो लास्ट वाली स्टेट थी उसको मैंने नॉन फाइनल बना दिया है, और ये जो डेड स्टेट मेरे लिए पहले डीएफए में थी वो भी हमारे लिए फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो दिस इज दी डीएफए फॉर दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एम, वेयर एन एंड एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिससे हमने इसको डिजाइन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।